जाबाजी की ये तस्वीरें किसी भी आम हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर देंगे। दिल में यही ख्याल आएगा कि इन हाथों में हम और हमारा मुल्क महफूज है। BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग यानी BEAT की कई शानदार तस्वीरें हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे ये जवान जमीन, पानी और आसमान में मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको BEAT के जवानों की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप मैन वर्सेस वाइल्ड को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें सुरक्षा और सर्वाइवल की टेक्निक के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। हमारा ये भी दावा है कि जवानों की ट्रेनिंग की ऐसी असली तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। मैम, अभी हम आपको लेके चलेंगे जो हमारा सर्वाइवल ट्रेनिंग एरिया है। एक्चुअली हमारा एक कोर्स यहाँ पर चलता है, जंगल सर्वाइवल एंड रेस्क्यू कोर्स। तो जो सर्वाइवल के टेक्निक्स हम जो अपने ट्रूप्स जो ट्रेनी जाते हैं उनको किस प्रकार से हम सर्वाइवल जंगल के एक इलाके में जिस जगह पे उनको कोई सप्लाई लाइन ना मिल पाए या कुछ भी ना मिल पाए, ये इलाका एनिमी का भी हो सकता है या कोई दूसरा इलाका हो सकता है जहाँ पर कि उनको कोई रेस्क्यू के लिए कोई टीम ना मिल पाए या उनके पास जो अपना जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें वो कैसे सर्वाइव करते हैं वो हम अभी आपको इस सर्वाइवल इलाके में दिखाते हैं। आइए मैम, ये जो है कि हम कहीं ऑपरेशन में जाते हैं, जैसे कि अगर कहीं बस की है मतलब खाने का, तो सर ने बताया कि जैसे कि जो जंगली जानवर है वो पकड़ के जो है खा लिए, और रहने के लिए जो है कि हमने जो है टेम्बर वैली जो है कि रहने के लिए जो आराम करने के लिए जो बनाते हैं। तो इसे किस चीज़ से बनाया है आपने? ये जो है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि बम्बू से बनाए हमने। अगर वहाँ पे जाए आपके पास अगर बम्बू भी नहीं मिलता, दूसरे पेड़ों की लकड़ी का जो है काट के बना सकते हैं। इसमें मतलब मजबूत सा जो है चार कॉर्नर का जो है कि ज़रूरत है, और इसे कहते हैं लीन टू सिंगल बोलते हैं। और इसमें जो है कि आपके मतलब एक तरफ का झुकाव है, और जो है कि इसमें लेटने का तरीका है, ऐसे लेटना पड़ता है ताकि आप उठते ही बाहर की तरफ देख सकें। मतलब अगर कोई सामने है तो मतलब कोई आवाज़ भी आए तो उठते ही मतलब सामने की तरफ देख सके। इसके लिए हम जो है कि लेटते भी ऐसे है, इसमें मैम लोकल रिसोर्सेज ही पूरे उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल किया गया है जो वहाँ पर पेड़ है, सो दैट कि कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर बाई चांस एनिमी टेरिटरी है और हमने कोई फॉरेन मेटेरियल्स ला के उससे बना दिया तो हमारी पोजीशन भी डिस्क्लोज हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये फोर्सेज का है। और बिकॉज इनके पास नाइफ रहता है तो कोई वुड्स जो लोकल लकड़ियां हैं उनको काट के ये शेल्टर बनाया। मुझे लगता है इस तरह का जो शेल्टर है वो कोई ड्रोन वगैरह भी डिटेक्ट नहीं कर सकता होगा, ये ऐसा लगता होगा जैसे बुशेज हैं या पेड़ है। एग्जैक्टली, तो उसका ध्यान रखा जाता है कि ये एरियल सर्विलेंस भी अगर कोई हो रहा है तो उसमें ये डिटेक्ट ना हो, सो दैट अपनी पोजीशन डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि अगर पोजीशन डिस्क्लोज हो गई और एनिमी को पता लग गया कि यहाँ पर कोई ट्रूप्स है तो फिर हमारा जो एम है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि आप फर्दर टास्क को कैरी नहीं कर पाओगे उसको, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैम, ये विलो शेल्टर है, जब हम किसी ट्रैकिंग में माउंटेन में जा रहे होते हैं तो हमें अलग अलग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए कि इस सिचुएशन में हम किस प्रकार का, अगर अचानक हमें कोई सर्वाइवल मतलब होल्ड करना पड़ जाए, कहीं नाइट गुजारना पड़ जाए, तो हम किस प्रकार का शेल्टर बना सकते हैं, जैसे लीन वन लीन टू आपको बनाया गया, अगर उसका सिचुएशन है तो वो बना सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन नहीं मिलती, कई जगह हमें देखते हैं कि कई झाड़ियाँ हैं जो कि इकट्ठा हो रखी है, कुछ लचीली भी हैं कि उनको मोड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है। अच्छा, तो आपने झाड़ियों को मोड़ कर झाड़ियों को ऐसे झुका करके उनको ऊपर से एक रस्सी से बांध देते हैं और उनके एक साइड से मतलब कटिंग करके अपना एक अंदर जाने का गेट जैसा बनाते हैं। गेट बनाते समय हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि जो हमारा गेट है वो हमेशा थोड़ा सा हवा के विपरीत दिशा में हो, ताकि अगर हवा आए तो हवा अंदर जाएगी तो झाड़ियों को क्या फैलाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में होगा तो हवा आएगी पीछे से कट के निकल जाएगी, ताकि हमें अंदर हवा ना आए और रहने में कोई मतलब दिक्कत भी ना हो। इसमें दो से तीन आदमी आसानी से रह सकते हैं। एक साइड से गेट काटने के बाद अंदर जा करके जो सिचुएशन मतलब झाड़ियों जो अगर कहीं गैपिंग है तो उसमें छोटी छोटी दूसरी झाड़ियाँ काट के भी लगा सकते हैं। और किस तरह से लेटते हैं इसमें? इसमें दो से तीन आदमी रह सकते हैं। इसका जो मतलब फेस है, जैसे हम गेट टाइप का एक बनाते हैं ताकि छोटा सा रात को हवा से रोकने के लिए उसको बंद कर दें। इसमें जाने के बाद जब लेटेंगे तो जो आपका सिरहाना होगा पीछे तरफ होगा, फेस अपना गेट की तरफ होगा, ताकि अगर हम लेटें अगर अचानक कोई भी घटना आती तो। ये बड़ा टेम्पररी शेल्टर है मैम, इसमें जो झाड़ियाँ वहाँ पर हैं उन्हीं को ऊपर से बांध दिया है,
और उसके नीचे थोड़ा सा साफ करके अंदर। तो एक इस तरह का शेल्टर बनाने में कितना समय लगता है? ये सिचुएशन पे अगर झाड़ियाँ तुरंत अच्छी सी मिल गई तो ज्यादा 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में शेल्टर तैयार। झाड़ियाँ अगर ऊंची झाड़ियाँ हैं तो उन्होंने बांधा और उसको जो है मतलब दिमाग में आइडिया होना चाहिए चाहे वो कंडीशन हो सकता है पूरी सर्विस में ना आए, बट अगर आ जाए तो दैट टाइम यू कैन नॉट मेक हिम ट्रेड, तो ये पहले ट्रेन करना पड़ता है कि जो है वो पूरे वॉश कंडीशन के लिए ट्रेन करें। इसका नाम विवोक है, ये दो तरह से बनाया जाता है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि जैसे जमीन पर जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जैसे सांप बिच्छू वगैरह, तो उनसे बचने के लिए बाकी शेल्टर आप देख रहे हैं उनमें क्या है, जमीन के ऊपर है तो उनमें सांप बिच्छू से हमें रात को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए हम दो तरह के विवोक बनाते हैं। एक हमारे पास रोप है जैसे या रस्सी या कोई भी, उससे हम बनाते हैं पेड़ के आर पार बांध के एक लेडर टाइप की बना के उसके ऊपर हम रात को आराम से इजी निकालते हैं। तो ये आपने रोप से ही रोप से बनाया बना दिया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन या किसी पेट्रोलिंग के दौरान रोप ना हो तो हमारे पास ग्राउंड सीट होती है या कंबल होता है, हमारा ब्लैंकेट होता है, तो हम ब्लैंकेट से भी उसके दोनों छोर किनारों को बांध के उसके अपोजिट किनारों को बांध के उसके ऊपर हम यहाँ पर आराम से रात को लेट लेंगे। उसको हम दोनों किनारों को बांध के इसके बीच में आराम से सोचते हैं ऐसे, और बाद में दोनों किनारों को हम ऐसे एक साइड से दबा देंगे अपनी बॉडी से और दूसरे किनारे से हम यहाँ से इसको ऐसे कसते हैं, तो ईजिली हम एक रात निकालते हैं और जंगली जानवरों से जो भी रेंगने वाले जानवर हैं उनसे हम बचाव करते हैं अपना। और इसमें क्या है, अगर बारिश वगैरह होती है तो हमारे हमने एक उसके ऊपर और रस्सी लगा रखी है जिसके ऊपर हम अपना वाटर प्रूफ या जो पोंचू हमारे पास वो डाल सकते हैं, उससे हम बारिश और तूफान हवा वगैरह से बचाव कर सकते हैं। देख रहे हैं कि कितनी टफ लाइफ है एक सोल्जर की, कि बिल्कुल कोई अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज, और किस तरह से कुछ नहीं होने पर भी इतना कुछ बना लेते हैं आप लोग, इस तरह से उनको ट्रेन करते हैं, इतना टफ बना देते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल बॉय टू अ सोल्जर जब आप उनको प्रिपेयर करते हैं। और इनको देख के मुझे लग रहा है कि कई लोग अपने बेड पे भी इतने आराम से नहीं सो पाते होंगे जितना आराम से और जितना पीसफुली ये यहाँ पर सो रहे हैं। ट्रेनिंग का मोटिव यही है मैम कि उसको इतना ज़्यादा नॉलेज दे दिया जाए कि वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि जितना उसको नॉलेज होगा वो कहीं पर भी अपने आप को पैनिक नहीं होगा, तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में भी फेस कर सकता हूँ जितना नॉलेज होगा उसको। तो मोटिव वही है कि उसको इतना नॉलेज दें कि बंदा कॉन्फिडेंट रहे कि मैं कहीं भी अगर जंगल में भी रहूँगा तो 4-5 दिन तो मैं सर्वाइव कर ही लूँगा किसी भी प्रकार। और मचान इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम कहीं टेम्प्रेरी कैंप लगा देते हैं तो रात को सिक्योरिटी के लिए हम कहते हैं ऊंचाई पर जगह बना लेते हैं जहाँ से कि हमारा सिक्योरिटी मेंबर जो है इसको ट्री हाउस भी बोलते हैं, ट्री हाउस बोलते हैं, दूर तक नज़र रखता है ताकि कहीं भी खतरा हो तो बाकी जवानों को जगा सके। ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट का भी काम करता है ना, कि अगर जो है एक या दो अगर आपने बना लिए बाकी यहाँ पर जो है शेल्टर ले रहे हैं तो वो जो है ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्री हाउस, मॉडर्न लोगों का ट्री हाउस एंजॉयमेंट के लिए और आप लोगों का सर्वाइवल के लिए। वो लोकल रिसोर्सेज से बनाया गया जी, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं मैम ये लोकल रिसोर्सेज से ही है जो जंगल में अवेलेबल, बिकॉज आपको कैरी तो करके नहीं जाएंगे अपने साथ में, तो आपको जो भी वहाँ पर मिलेगा उसी की मदद से आपने ये बनाना है, तो मेन मोटिव यही है। या फिर आपके पास थोड़ा बहुत सामान है जैसे इनके पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट तो लेके चलते हैं, तो उससे हैमॉक बना दिया, बिवॉक बना दिया सो दैट जो है वो नीचे कोई पानी है कीचड़ है तो ऊपर रहे, या फिर जैसे बताया कि रेंगने वाले जानवर हैं तो उससे वो सेफ्टी महसूस करता है क्योंकि वो ऊपर है। तो इसको जैसे पोंचू है हमारे पास या वाटर प्रूफ है जो भी, तो हमारे पास और कुछ भी साधन नहीं मिल रहा, झाड़ियाँ नहीं मिल रही, जंगल एरिया नहीं है, तो हम इससे क्या करते हैं जैसे रोप बांध दिए, रोप नहीं है तो हमारे पास कोई टहनी बांध ली हमने हर पास उसके ऊपर हमारा पोंचू वाटर प्रूफ डालते हैं, उसके अंदर हम एक रात इजली निकाल सकते हैं ताकि पानी जी पानी या हवा जो भी से इससे बचाव हो सकता है। क्विक शेल्टर है मैम, टेंट ना हो, क्विक शेल्टर जल्दी बनने वाला है, जल्दी खोलने के लिए सबसे क्विक शेल्टर है, जल्दी आप डिसमेंटल करके जल्दी क्या बोलते हैं लगाने के लिए यही है कि इसको लगाने के थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें पिकड़ वगैरह लगानी है, मजबूत करना पड़ा हवा से वगैरह, और इसमें 8 से 10 आदमी इजीली अपने सामान के साथ आराम से रह सकते हैं। इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है जो हमें वाटर पानी या जो भी नीचे किचन वगैरह है उससे बचाता है जी, हवा वगैरह से बचाता है, काफ़ी गर्म टेंट है ये,
बर्फीले इलाके में गर्म करता है। इसमें आराम से भी आप मतलब आराम से यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और अपने उसको पिलो बनाकर पिलो वगैरह हमारा सामान वगैरह की काफी जगह है इसमें, तो काफी 8 से 10 आदमी आराम से इसमें सो सकते हैं। डबल लेयर का होता है इसमें, इनर भी है अंदर आउटर भी है। और मैं देख रही हूँ कि वेंटिलेशन के लिए भी जगह बनी हुई है, चिमनी वगैरह लगती है अगर ठंड बर्फीले इलाके में है तो हमने इसमें चिमनी। तो यहाँ पर अंदर टेम्परेचर बाहर से कुछ डिफरेंट रहता है? डिफरेंट होगा जी, इसमें गर्म चिमनी लगाते हैं, आग जलाते हैं, तो इसके चिमनी क्या है इसे बुखारी वगैरह भी रख सकते हैं इसमें, तो उससे क्या है जो धुआं वगैरह वो बाहर निकल जाएगा, अंदर टेंट गर्म हो जाएगा। मैम ये भी एक हमारे एक तरह का शेल्टर है जो कि हम दलदली इलाके में इसका यूज कर सकते हैं। ये टू टाइप से बनाया जाता है, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे बना सकते हैं हम इसको अगर जहाँ पे सूखा एरिया है, और जहाँ पे दलदल एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा जमीन ग्राउंड थोड़ा सा 3 फीट की हाइट से। तो किस चीज से बनाते हैं यहाँ पे? ये नॉर्मली मैम ये बम्बू लकड़ी का यूज करते हुए उसको, अगर कील तो हमारे पास ऑपरेशनल एरिया में होगी नहीं तो हमारे पास में यहाँ पे धागा जो भी रस्सी होगी हमारे उससे उन्हीं से बांध कर आपने इसे बनाया। ये हम एक तरह का बेड टाइप में एक शेल्टर, तो इसी में अपना वो मैट्रेस और वो जी मैट्रेस डाल के अपना एक बैठ सकते हैं, रात गुजार सकते हैं हम इस पे, दलदल से बच सकते हैं अपना, जो भी नेक्स्ट दिन के लिए हम रेस्ट कर सकते हैं। मैम जैसे हम कहीं जंगल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब जैसे हमें वहाँ जाना है, मतलब पानी पीना में जैसे पानी गंदा हो, कुछ पानी गंदा हो उसको मतलब प्योरीफाई कैसे करें, मतलब प्योरीफाई करेंगे उसको? तो हमारे पास जैसे कुछ भी बोतल हो सकती है, बोतल हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉटन हो, रेत हो, फिर जैसे हमने आग जलाई कोयला हो, पहले हम कोयला कॉटन रख देंगे, फिर उसके बाद रेत बिछा देंगे, फिर कोयला रख देंगे, उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, फिर जैसे नमचे यहाँ ये पानी यहाँ से निकल रहे नीचे कुछ लगे एकदम प्योरीफाई करके पानी नीचे निकल जाएगा एकदम साफ पानी एकदम, मतलब इसमें रेत मिट्टी कुछ नहीं निकले इसमें, साफ पानी एकदम निकल जाएगा। तो आप गंदे से गंदे पानी को भी इस तरह से साफ कर लेते हैं, पीने योग्य बना, पीने लायक बना लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पानी है वो साफ नहीं है, आपको कहीं से भी पानी लेना पड़ता है, उसको इस तरह से प्योरीफाई कर पीते हैं। ये मैम हमारा एक धुआं रहित चूल्हा है जो कि हम ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन के इलाके में अगर हम नाइट होल्ड करते हैं या रुकते हैं, हम तो कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो हमें वहाँ पर बनाने के लिए तो हम एक स्मोकलेस चूल्हा यानी कि एक स्टोव बनाते हैं इस तरह का, ताकि उससे धुआं ना निकले और दुश्मन को हमारी लोकेशन का पता ना चले। तो किस तरह से बनाते हैं इसको? बनाने के लिए मैम 1 फीट का गोलाई में गड्ढा किया जाता है जी, तो उसमें 2 स्टिक लिया जाता है जी, उसमें दोनों स्टिक में 45 डिग्री से उनको जोड़ने के बाद उसको 45 डिग्री का एक 90 डिग्री पे खड़ा करते हैं जी, और एक ऑक्सीजन आने के लिए 45 डिग्री में उसको एंगल पे जैसे कि वहाँ दिख रहा है जी जी जी, ये एंगल को एंगल पे स्टिक को खड़ा करते हैं जी। तो ये मैम इसको हम सूखी पत्ती जो जंगल में सूखा पत्ता होगा उसको कॉम्पैक्ट करके अच्छी तरह इन स्टिक को खड़ा करने के बाद उस सूखी पत्ती को कॉम्पैक्ट करके अच्छे से दबाते हैं जी, और ऊपर मिट्टी डाल के उसको लिपाई कर देते हैं जी, उसको 1 या 2 घंटे के बाद छोड़ने के बाद में थोड़ा सा वो सूख जाए उसका इंतजार करते हैं, उस सूखने के बाद उसमें थोड़ा सा एक या तो जलता हुआ कोला या हमारे पास कोई भी कपूर वगैरह एक बार उसमें नीचे डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही चल जाएगा। 5 मिनट के बाद वो एक गैस स्टोव की तरह जलेगा, लो निकलेगी उससे, और उसका कहीं भी किसी को हमारी 5-7 मीटर के बाद उसको तो उसमें प्रॉपर कुकिंग के लिए उसको प्रॉपर कुकिंग हो सकती है मैम उपयोग करते हैं जी। हम इसको ये हमें आलू उबाला था इसमें, और ये कि ये चिकन पीस हमने जी किया था एकदम गरम है जी जी। और पूरा पका हुआ है जी जी, अमेजिंग। इसमें ईंधन के लिए जंगल से सूखी पत्ती या अगर हमारे पास लकड़ी का बुरुदा है तो उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके डालते हैं, ताकि वो ये कम से कम अगर हम इसमें 4 किलो डाल देंगे तो कम से कम 24 घंटे के लिए कंटिन्यू जल सकता है। 24 घंटे के लिए? तो 24 घंटे के लिए आपका ये चूल्हा जो है अवेलेबल है आपके पास, और ना धुआं निकलेगा ना किसी को आपकी लोकेशन का पता चलेगा, और एक गैस स्टोव की तरह लोई। तो इसमें चाय वगैरह सब बनाते हैं? बना सकते हैं और कुछ भी कुक कर सकते हैं। मैम जैसे ही हम जंगली इलाके में रुके हुए हैं, हमारे पास कोई बर्तन नहीं है
और हमें कुछ खाने के लिए बनाना है, चाय बनानी है, चावल बनाना है, तो अगर हमारे पास पोलोथीन है, बर्तन तो है नहीं, पोलोथीन में हम चावल कैसे बना सकते हैं वो आप देख लीजिए। ऐसी चावल चावल तैयार है, गिलास में, गिलास में सोच भी नहीं सकते कि चावल इस तरह से पॉलिथीन में भी बन सकते हैं। और कितना समय लगता है चावल बनने में? गिलास लो। ये मैम कम से कम 8 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है। माय गॉड, चेक कर रही हूं कितने बढ़िया से चावल गरम होगा। जो नॉर्मल गैस पे बनते हैं चावल उनसे ज़्यादा स्वाद है ये। इसमें चीनी और चाय पत्ती, चाय और चीनी और चाय पत्ती है। दूध मैम इसलिए नहीं डालते क्योंकि दूध गर्म होने के बाद उबलता है, तो दूध इसलिए नहीं डालते। तो इसको डालने के बाद में उसको अच्छे से एयर प्रूफ करके उसको बंद कर देते हैं। अच्छे से बंद कर दिया, उसमें अभी कोई एयर नहीं है जी। जब तक पोलोथीन के पास पानी है, अगर इसको हम कोयले पर रखेंगे तो वो दीवार जो पोलोथीन है वो नहीं जलेगी, जलेगी नहीं। अगर ये अगर इसको इसको रखेंगे हम आग पे तो वो जल जाएगी, लेकिन जब तक उसके अंदर पानी है तब तक वो नहीं जलता, नहीं जलेगी। वही ऐसे बनाया है, ये चाय तैयार है। जब तक इसके अंदर ये लिक्विड है तो ये पोलोथीन नहीं जलेगी। और बाद में आप लोग इसमें दूध ऐड कर लेते हैं अगर दूध वाली चाय पीनी है। बहुत स्वाद, लाजवाब। जिस तरह से आप लोग अपना सर्वाइवल करते हैं तो और क्या क्या बन जाता है, सब्जियां वगैरह भी बन जाती हैं इसमें, सब्जी भी बन जाती है, वेज भी और नॉन वेज दोनों चीज बन जाती है। ये मुझे कुछ चिकन नजर आ रहा है वहां पड़ा हुआ। मैम ये चिकन है, हमारे पास ज्यादा मसाला तो नहीं मिलेगा अगर हम सर्वाइवल कर ले तो, खाली नमक मिर्ची प्याज जो भी मिलता हमें वो मिला देते हैं हम। इसमें पूरा करने के बाद हम जंगल में जो भी चौड़ा पत्ता हमें मिले, हो सके केले के पत्ते ना, कोई भी पत्ते अगर हमें चौड़े मिलते हैं पॉइजन वाले नहीं होने चाहिए, वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें हम रख के, अच्छा इसी में आप, हाँ इसमें पत्तों से लेप करते रहेंगे और एक बर्तन की तरह उसे बना लेंगे, बना लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको किसी रस्सी या उससे बांध देंगे, क्योंकि रोप तो आप सबके पास हमेशा रहती है। इसके अलावा जंगल में जो बेल वगैरह इत्यादि वो भी लगा सकते हैं। बांधने के बाद इसको मैम पूरी मिट्टी से लेप कर देंगे, पूरा एकदम पैक कर देंगे। अच्छा मिट्टी से लेप कर देंगे। इसके लिए मैडम जो चिकनी मिट्टी हो सबसे बढ़िया है, चिकनी मिट्टी ना, इसके ना गिल्ली होने चाहिए ना टाइट होने चाहिए, मतलब नॉर्मल मिट्टी हो, चिकनी मोटी लेयर लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा जी। पतली लेयर से क्या है कि पता जल जाएगा जी, इसी थोड़ी मोटी लेयर है तो बढ़िया रहेगा। और इसे कितनी देर तक रखते हैं, कितनी देर में तैयार हो जाता है? 40-45 मिनट्स में तैयार हो जाता है। अच्छा फिर से तोड़ते हैं और अंदर से निकालते हैं, फिर इसके अंदर का स्टफ निकाल देना है खाने के लिए। ये बन चुकी है, इसको हम क्या करते हैं, पत्ता अंदर से नहीं जला, इसको
तैयार हो गया है खाना, पूरा चिकन 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 है मैम। माय गॉड, बहुत गर्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, और बिल्कुल वेल कुक्ड है एकदम। गरम है बट एग निकाल दो, एग इसी प्रकार से एग भी बनाएंगे। अच्छा एग भी बनाया गया है, एग भी बॉईल हो गया मैम। हाँ बॉईल हो गया। वाओ, बहुत हेल्दी भी है मैम, विदाउट विदाउट ऑयल, एब्सोल्युटली कोई तेल नहीं है, हाँ विदाउट एनी ऑयल, काइंड ऑफ बॉइल्ड, और कोई इसमें जो है बिकॉज ये किसी आयरन पॉट या स्टील पॉट में कुक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल नेचुरल मिट्टी के साथ अमेजिंग ये कुक हुआ है। इसी तरह वेजिटेबल इसमें वेजिटेबल है ना जी। अमेजिंग, छोटी पर लेट दो, ये वेजिटेबल है। तो नॉन वेज को ज़्यादा समय लगता है बनने में वेजिटेबल से कंपैरेटिवली, और अगर ज़्यादा देर तक अंदर रह जाए तो जल जाएगा फिर। वाओ, आलू है ये, आलू गोभी पनीर। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए काफी पीछे जाना पड़ता है। दुश्मन के इलाके में लंबे और खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बियाट जवान इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों हजारों साल पहले इंसान जिस तरह रहता था, खाना बनाता था, उसी तकनीक में दो कदम आगे बढ़े ये जवान छुपे रह खुद को बचाए रखते हैं और सही वक्त पर धावा बोल दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। देखते रहिए जय हिंद पारुल महाजन।